सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। बाज महला तीजा। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर सबदी आप वंजावण्या। ओं बारी जो बारी अमृत नाम मन वसावण्या। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पिया बण्या। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरों की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, धन धन बेबे नानकी जी ने महान कृपा बख्शिश की। अमृत वेले सतगुरु जी के पावन पवित्र सचखंड दरबार गुरद्वारा श्री बेर साहब जी विखे चल रही लड़ीवार कथा विचों धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन बाणी के विचार आप सारिया संगतों ने श्रवण किए। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने महान बख्शिश कृपा की है। दोबारा फिर अमृत रूप पावन बाणी की विचार श्रवण करने का सुभाग मिलिया है। शब्द कीर्तन होया है, आरते आरती दे कीर्तन होए हैं, चौपाई साहब आनंद साहब का पाठ अरदास बेनती हुई है। कोई समय वास्ते सतगुरु जी की पावन बाणी विचों गुर शब्द की विचार माज राग तीजे सतगुरों की रसना तो यह पवित्र अमृत रूपी उपदेश श्रवण करने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की है कि शुभ समा महाराज की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। आओ प्यार दे नाल मन विरती की एकाग्रता करो और गुरु महाराज की पावन बाणी श्रवण करने वास्ते सतगुरु जी के ध्यान में जुड़िए। पातशाह जी कृपा करते हैं। माज महला तीजा। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपनी पावन रसना तो उपदेश बख्शिश करते हैं कि जिहड़ी शरीर रूपी गुफा है इहदे अंदर पवित्र गुणा का बहुत वड्डा भंडारा है। अखुट जिहड़ा मुक्कण वाला नहीं। तो जिहड़ा विज्ञानी है वह शरीर की चीर फाड़ करके देखेगा इहदे विच की है। इह तां हड्डियां मास मिंज है, खून है, चमड़ी है, रोम है, तो गंदगी यह जहा मिलेगा। तो जे विचार दृष्टि ना अंतरमुख विरती करके देखिए फिर ये अंदर उसने बहुत कुछ रखा हुआ है। बल्कि आप अपनी जोत कला भी ये रखी हुई है। पर जड़े ज्ञानवान विद्वान महापुरख है संतन हथ कुंजी होर तदर खुले ना, वो जड़े इस मार्ग के सूझवान महापुरख है उन्हों तो ये पता लगता है। इस गुफा में अखुट भंडारा, ये जड़ी शरीर रूपी गुफा है जहाँ दसवें द्वार के अंदर शुभ गुणों का अखुट ना नुकुटन वाला ना मुकन वाला ये पवित्र खजाना है। शुभ गुणों के भंडार भरे हुए हैं। जिस तरह हम दुनियावी विद्या भी ये अंदर रखिया पर उस्ताद द्वारा जागृत होंदिया
कि जिन्होंने किसी गुरु उस्ताद की टीचर की संगत नहीं की उसके दिमाग में वो सारिया चीज़ों गुप्त ही रहने। जो फिर उस्ताद की संगत विद्यार्थी रूप बन के करते हैं वो देख लो किन्ने तरह विद्या जड़ियाँ ये प्रगट कर देता है। इस तरह ही जड़े अध्यात्म आत्मा तत् परमात्मा जानने वाले वो फिर अपने जोड़े शुभ गुण देखे जाने इन्हों प्रगट कर देंगे जी परमार्थी विद्या वो ज्ञान दे देंगे। तो इस वसै हर अलख अपारा कहते भंडारे कैसे अखुट अतोट है कुछ तोटा नहीं होता बेअंत है मुकने वाले नहीं। तो इस वसै और कहते हैं उदे विच बसै हर अलख अपारा हरी जड़ा निरंकार परमेश्वर अलख मन बुद्धि की पहुँच तो परे लिखा नहीं जाता इहदा पारावार नहीं पाया जाता वो निरंकार भी वस रहा जिवें आकाश का अंत लेना हो नहीं आता। तो जिसने ये सारे तत् पैदा किए उसका अंत लेना तो बड़ा कठिन है। हमने सर्ज लाइट जिमें साइंसदान ने छी है वो किन्ने लखा मील उपर चल गई है फोटो भी खिंच के भेज दी है आकाश मुकन च नहीं आ रहा ये किन्नी कुछ आई हैगी। इस तरह के पाताल पाताल लख आकाशा पताल आकाशा का अंत नहीं एक आकाश का अंत नहीं आ रहा वो परमेश्वर अलख लिखा नहीं जाता पारा वह पारावर नहीं पाया जाता भाव की है बेअंत है उदा अंत नहीं है। आपे गुप्त प्रगट है आपे गुरसबदी आप वंजा बने वो कहते सतगुरां का जो उपदेश ग्रहण कर लिए ना आप मैंने पप्पे औंकड़िया भाव जड़ा हंकार आ हूँ बंजा बनया मैंने गवाउण वाला है जिते वो कृपा करे और निम्रता गरीबी धार के सेवा करे हिरदे चो फिर जो हंकार औगण ने ये दूर हो जाते इन्हों औगणा गवाउण वाला उ है जिम्मे हम संख्या दे विच जहर मारन की शक्ति है ना चंगे बैद को आ जाए वो मारन की शक्ति दूर कर देता वो कुश्ता बना उदे च जीवन कला भर दिंदा। इस तरह जिहड़े साडे अंदर पंज काम करो हंकारे जहर ये बंदे नूं तबाह कर रहा है। जिहड़े पूरा सन्यासी गुरु पूरा मिल जाए वो इन्हां नूं बदल दिंदा वो जहरां नूं अमृत विच बदल दिंदा। इह जिहड़े इन्हां दा रुख बदल दिंदा। मोबाइल भाई बंद रखो साइलेंट से कर दो गुर शब्दी आप बंजा बनया सतगुरां दा शब्द जिहड़ा उपदेश उहदे करके जिहड़ा आपा भाव है बंजा बनया वो गाउण वाले हो गए नहीं तो सारा संसार हंकार नाप रहा फिरदा ये पेट च फराम हो जाए ना हिंग वाला चूरन दे दीजिए फारा ले जाता। इस तरह हंकार का भी फ्रेम है तो जो पूरा गुरु पूरा वैद मिल जाए वो फिर उपदेश रूपी चूरन दे के ना हंकार रूपी फ्रेमे नूं दूर कर देंगे। आपे गुप्त प्रगट है आपे वो कहिंदे आप ही वह गुप्त रूप है आप ही प्रगट रूप है और गुरमुखा आपे ही प्रगट रूप है मनमुखा के अंदर आप ही गुप्त रूप है उन्होंने अंदर भी है मनमुखा और उत्थे गुप्त है माया का बुद्धि तो पढ़ता पाया जेडे गुरमुख है उन्होंने अंदर प्रगट है क्योंकि उन्होंने माया का जड़ा माया की जाली तोड़ दी उन्होंने अंदर वो प्रगट है।
मनमुख कह देंगे रब कित तो जे हम शीशा पूरा मैला हो गया ना उस सूरज भी नहीं दिता तो जे कहीं सूरज है नहीं वो शीशा इन्ना मैला सूरज दे प्रकाश में ग्रहण ही नहीं करता तो जिन्ह का हिरदा बहुत मलीन हो जाता ना धुंधला उन्होंने दीदा नहीं तो जिन्ना हिरदा उज्जल हों उन्ने वो साफ दे सुनना जो शीशा साफ हो चेहरा दे सुनना शीशा मैला हो चेहरा थोड़ा दीदा इस तरह जिन्ह का मन रूपी शीशा मैला मनमुख जड़े उन्होंने अंदर गुपत्या हैगा सही नज़र नहीं आता जेडे गुरमुख आ उन्हें सत्संग कर करके सेवा कर करके सिमरन कर करके हिरदा पवित्र कर लिया तो उन्होंने अंदर ही दिसन लग जाता नज़र आने लग जा अंदर भी बाहर भी सारे दिखता आपे गुप्त प्रगट है वो कहते कि आप ही गुरमुखां दे अंदर प्रगट आ और मनमुखां दे अंदर गुप्त है जिवें लकड़ विच अग है गुप्त है तो जेडे हुण पशु पंछी है वह तो उच्चो अग कढ के कोई लाभ नहीं ना लै सकते सर्दी ठुर ठुर करते फिरते बंदे की अकल कम करती है उच्चो अग पैदा करके पाला भी दूर कर लो रसोई का भी होर भी किन्ने काम सवार लैंदा इस तरह रब सारिआं दे अंदर ही है अंदर हुंदिआं भी संसार रोंदा फिरदा कोई मंदरां मसीतां ही कोई कितें ना करगड़दा जिहड़ा अंदर बैठा उह ते यकीन नहीं वो अरदासां सुणन वाला अंदर ही तो जिहड़े गुरमुख जिन्हें उन्हें सिद्ध कर लिया वो बचन कह दें दूए दे भी काम हो जाते हैं वो दूजिआं दे भी काम सवारी जाते इस करके महाराज कहिंदे हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावन क्योंकि जिहड़ा संसार का चक्कर है ना उन्हें अपनी माया तो तीन देवते पैदा कर लै ब्रह्मा विष्णु शिव ये माया दे तीन पोते हैं ब्रह्मा की सेवा लाती सृष्टि पैदा करन दी विष्णु की सृष्टि की पालना करन दी शिव जी की नाश करन दी जे ये सेवा ना लाते इन्नी दुनिया बह जानी सी ये बंदे कोडे राक्ष बन जाने बंदियां ने बंदियां नूं खाना शुरू कर देना क्योंकि सृष्टि लैवल रखने वास्ते मौत रखी है ना तो आ रहे है जा रहे है लैवल ते रहा काल भी सिर ते रख्या हुआ है कि हंकारी हो के आफर के गलत काम ना कर मौत का डर रख्या इस वास्ते फिर वो 15 चीज़ां हैगियां जिहदे द्वारा इस समय की वंड की है सारा सृष्टि का निजम चल रहा है छे रुत्तां साल है फिर 7 बार है 15 थित्तां हैगियां 12 महीने है 6 रुत्तां ये सारा सिस्टम जिहड़ा ना उन्हां महापुरखां ने बनाया होया जिहदे द्वारा चलता जे हुण दिनां दी वंड ना होवे यही नहीं पता लगे किहड़ा काम किहड़े दिन करना डेट ना हो साल ना हो हर चीज़ जिहड़ी नियम च बनी है ना वो महापुरखां ने ये सारी तरतीब बनाई हुई वो सारे ग्रंथां चीज़ां लिखिया हुई कई हुण इन्हां ते बहस करी जांदे सगरां दे ये सनातनियां दी है वो मुसलमान अपने ढंग ना दूए अपने ये तो प्रकिरति दीआं चीज़ां आ इहदा तां किसे नाल नहीं उदों कुदरत ने जिवें नियम बनाए उहदे मुताबक सिस्टम चल रहा है सारा चंद दियां कलां वधदियां घटदियां वो रात दा दीवा ये दिन दा सूरज जिहड़ा सिस्टम सारा ध्रुवां इक जगह खड़ा तो जे वह भी चलता हो फिर तो पता ही नहीं लग गया जहाज किधर नूं जाणे दिशा उहदे नाल समझ आउंदी है इस करके वो धुर आया धुरे दुआले पहिया घूमदा है संसार का सारा चक्कर ध्रुव एक धुरा जिहदे दुआले चल रहा है हमें हुण कंप्यूटर हैगे आ अगे दिशा सूचक सुइयां सी उन्हां जहाज चलते सी कंपास तो हुण वो कंप्यूटर ने भी आसरा ध्रुव दा ही लैंदे जिन्ना मर्जी कर लैण
आसरा उदा ही लेना पैना, क्योंकि वो एक चीज खड़ी है। इस करके ये सारा चल रहा है। तो एक राजा सी, उसने आप भी बड़ा विद्वान सी, 52 बड़े बड़े विद्वान रखे से चोटी दे टॉप दे, जेडे वेदां शास्त्रां दे पूरे ज्ञाते भूगोलक खगोलक सारा जिन्हां नूं विचार काफ़ी सी। हमें परमेश्वर की प्रकृति का अंत नहीं आता, फिर भी सियाने बंदियां ने मेहनत करके काफ़ी कुछ जानन की कोशिश की है। तो एक विद्वान कोई गुरमुख प्यारे आ गया, उन्हें जो राजे कोई राजे ने बड़ा स्वागत प्यार किया, कहते आप मन पुरखो किमें है? वो कहते वैसे तो कोई इच्छा है नहीं, तो इस करके आए हैं कि थोड़े को 52 बड़े बड़े विद्वान रहिंदे के 5 कन्या जिदे द्वारा ना ये ब्रह्मा सारी सृष्टि के नियम नूं चला रहा, उदे बारे पूछण वास्ते आया। इन्ना इशारा दे देना, उन्हां कन्या दे पिछे एक ना बी लगती है, एक ना सी लगती है, ते दसां दा त्यों जिहड़ियां 5 आ उन्हां दे जुदे जुदे आ, उन्हां बारे मैनूं दस्या जाए। वो राजे दे वी दिमाग च नहीं गल आई, वो 52 जिहड़े बैठे सी बड़े बड़े हैं, वो कहिंदे महाराज सानूं तां पता नहीं फिर की चीज़ है। वो कहिंदा वी तूं इह जिहड़े विद्वान मंडली रखी हुई है, हुण अजकल तां इन्हां नूं लोड़ नहीं ना, वोटां दा राज है, जे 30 लुचे होण ते 25 ब्रह्म ज्ञानी होण ते फिर वोटां च उहो जिहा ही होणगे, उत्थे विद्वान नूं कौण पुछदा सियाणे। अगे राजे विद्वान लोग रखदे सी, उन्हां तों सोझी लै के फिर तुरदे हुंदे सी, हुण लोड नहीं। हुण मूर्खां दा टोला होवे तां ज़्यादा चलदा कम्म, हुण कलयुग है ना। उजले पुछिया किसी ने उत्तर नहीं दिता, राजे ने उन्होंने 1 महीने का समा दिता कि तुहानू तनखाहां भी चंगियां, हाँ जी सारी तरह के खर्चे तुहाडे पूरे किए जाते हैं, तो तुसी उत्तर नहीं दिता। ये मेरी बड़ी बेइज्जती है, वह कहूगा भी राजा एवें लई फिरदा इन्होंने, यदा हरे टुकड़ बोचे है, कोई भी इन्हां च ज्ञानी ध्यानी सियाणा नहीं। जल्द पूछा उत तो बड़े कि हूँ किमें किया जाए। मोदी दी इन्हों का जो चीफ से हैड सगा ना मूफी, उन्हें कह पहला तो मेरा नंबर लगना ना, तो दिन हूँ रह गया 1 महीने का, कलू तो हूँ मौत आ, इं करते हैं जंगल चल जाने, जो शेर बघाड़ खा लूगा, तो अंत का समा भजन करके तो महाराज अगे अरदास करिए, महाराज कृपा कर दियो, जां तां कपड़ा पा दियो, पर्दा पा दियो, चुक लो, जां कोई सोझी दे दियो। वो जंगल च लग गया, जिले उत्थे गया उत्थे बोड़ दा दरख्त सी, उहदे थले बह के जिले हुण मौत दीदी होवे फिर हां बंदी सुरती वाले गुण टुट जांदी ना, ना फिर खाना चंगा लू, ना पहनना चंगा लू, ना कोई होर चीज़ चंगी लगूगी, यह ऐशो शरत कोई चंगी नहीं ना लगती, मौत दी दी सामने। वो बह गया सुरत टका के भजन कर रहा, वो दरख्त तो यूं होया कि कोई गल्लां कर रहे, गल्लां की करते, एक भूत सी ते एक भूतनी सी। वो भूतनी जिहड़ी सी वो गर्भवती सी, ते भूतनी कहिंदी है भूत नूं अपने घर वाले नूं कि मैनू एक बंदे का मास लिया के दे खाण। वो कहन लगा भी मैं हुण तैनूं बंदे का मास कित्थों लिया दिया, कि तूं हुण थोड़ा जिहा सबर कर ला, ते कल नूं राजे ने ना
52 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਔਰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 52 ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 15 ਕੰਨਿਆਂ ਕੌਣ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੀ ਆ ਦੂਏ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੂਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁਰਤ ਰਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਦੇ ਮਗਰ ਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਜੀ ਸਪਤਮੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਨਵਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਕੰਨਿਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚ ਦਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 10 ਕੰਨਿਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਪਦਾ ਫਿਰ ਦੁਤੀਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਚਤੁਰਥੀ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ 15 ਕੰਨਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਦੇ 52 ਸੀ ਇਹ 52 ਸੀ 51 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੁਣ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਸ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਧ ਵੀ ਬੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੜੜ ਤੜ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਉਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
परमेश्वर का जिहड़ा अमृत नाम जे हुण उह नाम जपण लगा सी ना ते मौत दा डर सी भावें थोड़ा चिर जपिया उह नाम दी बरकत ना भूतनिया ने भी उत्तर दे दिता ते भूतनिया ने उहनूं बजाता ते असीं गुरु दा उपदेश सुणदे हां तां नहीं समझदे कि पुठे पाहे तुरे फिरदे हां ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਬਾਰੀ ਜਿਉ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸਾਵਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਮੈਨੇ ਓਹਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਉਹ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਬਾਰੀ ਜਿਉ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੋ ਅਸਥਾਈ ਟੇਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰੂਗੀ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਰਾ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈ ਹੋ ਕੁਝ ਨਾਂ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਡੁਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਨ ਤਾਨ ਕੋ ਨਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮਨ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਹਾਂਜੀ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੈ ਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਭੈ ਆ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਭੈ ਆ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਭੈ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈ ਆ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭੈ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇ ਦਾ ਬੀਜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭੈ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੰਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ
कोई ना कोई भै बने रहा ना, खेती जटा ने बीजी है, ये भै आ ज्यादा मीह ना हो जाए, ओड ना लग जाए, गड़े ना पै जाए, चूहा नुकसान ना करे, कोई कुंगी ना लग जाए, चंद्रमा की चांदनी ना मार जाए, हाँ जी हड़ ना मार जाए, अग ना, हाँ जी गड़े ना पै जाए, तो टिड्डी दल ना तबाह कर जाए, ये सत इत इन्हों का भै है खेती वाले सत इत होनी जी फसल में तबाह कर दी। तंदुरुस्त नूं पै मैं बीमार ना हो जावां, भै बहुत तरह के, तो जिहड़ा विद्वान उन्हूं मूर्खां दा भै है बेइज्जती ना कर दे सभा च, हुण बोलण लगन दे आखणा थोड़ी होई, तैनूं वी व्यापदा ना पता नहीं किहड़े वेले बेइज्जती कर दे, मूर्ख दा भै होंदा सियाणे नूं, वो अपनी इज्जत बचाउंदा फिर किनारा कशी करिए पता की पता नहीं की करना, गल पैना जां पुठा बोलना, इह मूर्खां दा वी भै होंदा। पर निरपै बैराग एक भरो नरो साब वे गायो मैं अनेक, अब थक की मोरी मत। पर श्री जी कहिंदे निरपै अवस्था ज्ञान बैराग परमेश्वर दे नाम नाल जुड़िए आत्मा ज्ञान, फिर निरपै अवस्था मिलती है। महाराज आ गुरसिख शहीद होए आ, थोड़े भै दिंदे रहे लालची वेलों दे उत्ते, फिर भै डरावे मौत दे, वो कहिंदे इक दिन तां मरना है, जिवें लिखी है इवें ही है, फायदा डराने वो मजाक करते, बाकी दुनिया मौत तो डरती है, बच्चा जमया उदों दौड़ पे मंदिर नूं गुरुद्वारे नूं। पंडित जी अरदास करो ज्ञानी जी भाई जी बच्चे की उम्र लम्मी हुई, हुण तां जमया हुणे डर क्यों पै गया, इहदा मतलब मौत दा भय आ गया नाले, मौत तो डरदे दौड़दे ना, इहदी लम्मी दीर्घ आजू हो जाए। इस वास्ते कई तरह के भै है, अजक आ लीडर परजा का भै है, फिर वोट दुए पास ना पा दें, परजा को भी जलम ना आ जाए, राजा तबाही ना करे, भै ने एक दुए एक दुए भै व्यापे हुए। सो इस वास्ते भै तो रहत होने वास परमेश्वर ने कहते महाराजा युधिष्ठिर जी ने प्राणा च कथा, प्राण का मतलब पुराने नहीं, वो कथा हमेशा ही नवीन रहती है, जोड़ी सिक्ख्यादायक बचने वो कभी पुराने नहीं होंगे, जिदे इतिहास दसे जा सिक्ख्या दसिया जा। महाराज जी युधिष्ठिर भजन कर रहे थे, चार दरवाजे से चौहे दरवाजिया ते अपने भरावान का पहरा लाया से, किसी नूं अंदर नहीं आउण देना, असीं भजन कर रहे हैं कोई बिघन ना पावे। एक ते भीमसेन सी, दूए ते अर्जन, तीए ते नुकल, चौथे ते शहदेव, चौहे दरवाजे बैठे से। हुण तां भावें किन्ना चौणा इकट्ठा कर लो कोई पहरा थोड़ी दिंदा, हुण तां अपना आप माड़ा मोटा कर लो ठीक है, दूए की आस न रखे, इहो जिहा योग आ गया, कोई कान नहीं चुकदा ना, हुण धर्म है ना धड़ा आ, अगे हुंदा सी धर्म जां धड़ा हो उह सहायता करू, हुण तां भरोसा ही नहीं वी किहड़े किधर तुरे फिरदे, डड्डुआं दे पसेरी आ सारे, इन्हां दा भरोसा नहीं वी पिछे कोई पक्ख पूरू आ, परमात्मा वाल ही तुरदे ने, वो पक्ष जरूर पूर दिंदा कृपा करता जे उत्ते भरोसा हो। इन्ने नूं एक पुरश आ गया, भीमसेन नूं कहण लगे मैं महाराज नूं मिलना, वो कहिंदे वी हुण तां नहीं मिल सकदे, इस वेले वो भजन कर रहे आ सिमरन कर रहे, हुण नहीं मिल सकदे, ये खंघ आँदी तो पिछे बह जा। वो फिर कहते ना कि हूँ नहीं मिल सकते, कहते दसो कोई बचन की है जड़ा, फिर महाराज जो उठन गए पुछ लेंगे दस देंगे,
ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਨਾ ਡੋਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਟੂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਆ ਮਰੋੜਦੇ, ਬਾਲਟੀ ਦੂਆ ਹੀ ਭਰ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਢਾਂਗੇ ਨਾ ਬਤਾਉਣ ਤੋੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ 400 ਦੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। 400 ਦੀ ਬੋਤਲ ਡੱਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈਏ, ਹੈਂ ਫਿਰ ਮੰਜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੰਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਲਏ ਆ, ਜੋ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਇੰਨਾ ਦਲਿੱਦਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 12 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਵਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਖੁਸਰੇ ਅਤੇ ਹੀਜੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡੂਗਾ, ਅਰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਖੋਪਰੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡੋਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ 10 ਘੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੋਲ ਅੱਧਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਛੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੰਮ ਦੇ ਬੜਬੜੇ ਥਣ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਛੀ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਬੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਟਕਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਕੰਨ ਚੌਗਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਛੱਡਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ
फोन विच दरगाही अलहाम है जिन्होंने सुन दौड़ जाने अंदर सुरती नहीं ना जुड़ती मन भटकदा फिरदा कल भी कुछ नहीं होंदी पर मन च टका है आ गुरुद्वारे नहीं टकते एक मिनट दौड़न किन्नी मिठी प्यारी कथा होंदी हो मन नहीं टकदा वो फिर जी कहिंदे दसो कहिंदे जी एक करसान दा खखड़ियां दा खेत सी जिमीदार दा उहदे दुआले बाड़ कीती होई सी वो जिहड़ी बाड़ सी ना वो खेती नूं खा रही सी बाड़ तां रख्या वास्ते हुंदी है पर बाड़ खेत नूं खा रही सी ये प्रश्न पुछणा सी कहिंदे भी हुण तां नहीं महाराज होणगे उहनां नूं बेनती कर लांगे फिर वह चौथे दरवाजे जा बड़िया जेले उत्थे गया कहिंदा महाराज नूं मिलना सी महाराज देशर जी नूं कहिंदे भी नहीं हुण नहीं इजाजत नहीं सानूं सख्त हदायत है किसे नूं अंदर नहीं आउण देना वो भजन कर रहे हैं क्यों दुष्ट लोग भजन भी नहीं कर देंदे ना पहरा देना पैंदा हर तरह की सुरक्षा हर थान लोड़ पैंदी है दीवा भी चिमनी ना बलदा पदरे रख दी वह भी बुझ जाता अजकल तो हम आवारा बहुत फिरते कुत्ते बिल्ले भी है पशु भी है बंदे भी आवारा बहुत है इन्नी दुनिया आवारा होवे फिर तो बहुत चौकस हो के बैठोगे फिर तो बचोगे तो जे फे बिल्ले नूं देख के कबूतर ने अखां बंद कर लईआं उहदियां अखां बंद करन बिल्ले ने थोड़ी चलना वो तो फिर चपट मारूगा तो मौज है भाई मौज लग जाऊ ना ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰੱਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਾ ਕਾਗਰ ਚੀ ਦੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਜਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਨਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬੇ ਹੀ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖਾ ਦਾਮ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਥਾਉਂ ਜਾਈ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਪਾਈ ਪਾਈ ਗਲਾਂ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲ ਜੋਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਢੇਲਾ ਹੱਡ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਉਹ ਚੁਣਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਡ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਰੂੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜ ਭਰਾ ਐਨ ਇੱਕ ਸੂਤ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਦਰੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਹਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਤੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
हूँ साढ़े तो कम छड़ता ना तड़के उठना किरिया करनी इनान पानी करना बह के कोई ध्यान बहना वो तो छड़ दिता ना इधर हूँ अपना ध्यान नहीं है सवेरे भी शाम भी हर वेले गंदिया फिल्मां फोन देख लै होर देख लिया टाइम पास करने लिहा काम कोई बाणी नहीं पढ़नी कोई नाम नहीं जपना कोई सत्संग नहीं कोई सेवा नहीं कोई होर नहीं कोई गल इधर संसार तुरै ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है। कहिंदे प्रश्न पूछना सी कहिंदे महाराज आउणगे बेनती कर लांगे हाँ जी ते जिस वेले वो फारग होए कलयुग आ गया कहिंदे फड़ोए कल जो गया बस खिस गया दौड़ गया महाराज जी ने मारिया ना दबका भज गया पहले तो अंदर आ बढ़िया ना वो गल करके फिर पूछते महाराज ये कौन से कहते महाराज पहला तो मेरे को आया भीम सैन जी कहते कहते की कहता कहता ये सी एक बीबी खूह तो डोल ना पानी कढ़ रही सी तो डोल दे नाल दस घड़े खाली सी वह भर गए तो जदों कहिंदे वो घड़ियां दा पानी डोल विच पाया तो डोल अद्धा रहा पहला तो डोल ना दस घड़े भर गए जेले घड़े विच पाए तो वह अद्धा भरिया ये महाराज की सी सानूं तो समझ नहीं आई दस क्यों भी नहीं गया प्रश्न करके दौड़ गया आप कृपा करो कहिंदे इहदा उत्तर यह है कि अगे धर्म कर्म सी एक बंदा कमाई करता सी उहदी कमाई नाल 15 खांदे सी हुण सारे जी करनगे फिर भी ढिड नहीं भरूगा इन्नी कल्पना लोगों नूं लगी हो दौड़े फिरदे आ जिहड़ा देश है देश तां हले हैगा बरकत जिहड़े देशां नूं दौड़ी फिरदे आ आहे कुछ आए कुछ लखां रुपए वो लखां रुपए जड़े एक ते खर्च दे उन्हें दा ब्याज ही नहीं मुकदा ऐसा भूत चिंबड़ गया संसार नूं राष्ट्र भगती चल गई पितृ भगती चल गई महापुरखों की गुरु भगती देश भगती सब कुछ खत्म हो गया यह संसार दा हाल इस वेले बनया। फिर अर्जुन जी आ गए हाँ भाई कहते महाराज इस तरह आया सी एक प्रश्न कर गया कहिंदा तुहानू मिलना कहिंदे की करके गया कहिंदे महाराज सानूं तां समझ नहीं आया कहिंदे की कहिंदा एक गां सूई सी बच्छी दित्ती बच्छी दे थण दुध ना भरियो बच्छी ने चुंघणे सी गां दे थण ते गां बच्छी नूं चुंघ रही सी ये की चीज़ है। महाराज कहण लगे ये कलयुग जले आएगा ना कुड़ियां डांस कर कर भंगड़े पा पा के मेहनत मजूरी करके धन कमाउणगियां मां पे खाणगे वो खाणगे कुड़ियां दी कमाई खाणगे जड़ा मां पे दी कमाई खांदा पे पे जनानी दी कमाई खांदे उन्होंने अदम नीच कहा जिहड़ा आप कमाई करके खांदा वह उत्तम कहा माता पिता दूआ नंबर है तो हुण संसार इन्हें साडी बीबी बहुत डांस करती आ जिहड़ियां की बनिया है अजकल इन्हें भी पैसे भी बहुत देंदे ते जिले सद्दे ना राजनीतिक बंदे करोड़ करोड़ रुपया देंदे एक एक करोड़ ते ग्रंथी तीन दिन पाठ करदा कहणगे भाई लालची बड़े उत्थे बहुत औखा भले पासे आ जिहड़ियां नाचियां आ नाचे आ ब्याह शादियां दे अल्ला लखां रुपए दिंदे कि नहीं सारी दुनिया का गंद इकट्ठा कीता है झोली च पा के जांदे मुर्गे कुकड़ आंडे खाधे हुंदे आ ते कहिंदे चौंदा चौंदा सुनाओ ये हाल बनया लोकां ये ठीक है कि गलत है। महाराज जी युधिष्ठिर दस रहे हैं ये कलयुग का वर्तारा यहोजा होगा
हुण देख लो अखां नाल गलत है कि सही है। फिर आ गए सहदेव जी, हाँ भाई कहते महाराज इस तरह एक बंदा अजनबी जिहा आया सी, वो कहिंदा अंदर जाना। मैं कहा महाराज तू भजन कर दे नहीं जा सकदा, ते दस किहड़ा काम आ, पुछ लांगे जिहड़े महाराज होणगे। कहिंदे वो एक प्रश्न करदा सी, वो प्रश्न कर रहा सी, की प्रश्न करदा सी, कहिंदे भई प्रश्न महाराज इस तरह का कि साड़ी समझ विच आया नहीं। पहला तो डोल वाला प्रश्न हो गया, दूजा गां वाला हो गया, है खेत बाड़। वो कहिंदे इहदा मतलब यह आ कि जिहड़े राजे आ ना ये बाड़ सी, इन्हां ने परजा की राखी करनी ही परजा रूपी खेत की, हुण ये राजे इन्हू लुट लुट परजा नू खा रहे आ, लुट लुट खा रहे कि नहीं। पांच साल मिले आ हुण मक्कू बन दिओ उन्हां दा, मुड़ के मौका थोड़ी मिलना, पक्की पै कड़ा आ जाए मेरा पे ला लो। एक गवर्नर होंदा सी ना, बहुत इकट्ठा कीता, फिर हिमाचल च याद खरीदी जहाज च गया टब्बर लद के, फिर धर्म राजे कहिंदा कले कले की लजने, जहाज क्रैश हो गया सारे नूं लै गया इकट्ठे नूं, कि नहीं एवी कले कले लजदे फिरांगे, हुण तो सुख ना इकट्ठे होए सारे, हाँ जी इस पासे लगे हो, लगे हो कि नहीं लगे, हाँ जी देश नूं देश नहीं समझिया, हाँ जी चोर टोला एक कोई बोला बनया, ये हाल होया पाया, हाँ जी लुट कसुट का बोलबाला है। चार सवेरे देख लो खबर पढ़ पढ़ की कुछ होन डया, कोई धर्म न्या इंसाफ हैगा, दमुछले सप बने हुए। फिर आ गए हाँ जी, फिर चौथा भरा आ गया ना नुकल जी, आ बई कहते मारा बंदा कजन भी आया सी, वो प्रश्न पूछता सी भाई पहाड़ जड़ा रुड़िया आ रहा सी, दरख्त सब भन्न सिटे चकना चूर करते, जिला आह खड्डी बुनता ही कच्चे तंद ना रुक गया, वो ये की गल। महाराज कहिंदे कलयुग पापां दे पहाड़ डिगणगे, सब पासे भन्न तोड़ कर देणगे, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो कर देगा निमख सिमरत जित छूटै, एक परमेश्वर दे नाम ना पापां दे पहाड़ रुकणगे। होर नहीं ते नाम छड्ड दित्ता वह औखा बहुत है, हाँ जी हूँ महाराज के दरबारों के मोहरे बड़बड़ियों फोटो बना बना लाते, फिर गुरु नानक साहब ने उन्होंने देखो सानू देखो सानू पहला मत्था टेको, अपने उन्होंने मत्था टेकोंदे है, बड़बड़े बोर्ड बना बना लाते ना महाराज के मोहरे, साढ़े दर्शन कर ला है बाबे दे की लैना है, असीं तुहानू पुत देवांगे आ देवांगे, बोर्ड बड़बड़ मना ला के ला रहे ना लोने मारे दे मोरे, मारे दे मोरे लोने जाके उत्थे दिखावा करदा, आ कथा करिए कई फोन फड़ के, मैं कहा तेरी फोटो खींचने ड्यूटी नहीं, ये कोई फोटोग्राफर की दुकान थोड़ी, महाराज सच्चे पातशाह स्थान है, तुम तमाशा बनाया हुआ, कथा कीर्तन सुनो बैठो कोई भजन बाणी करो, लोगों ने तमाशा बना लिया, आप ही तमाशा बने फिर तमाशबीन बन गई दुनिया, तमाशबीना का संसार बनया, जिते देखो गड्डिया मोटर मोबाइल हर वेले डांस नाच भंगड़े घर च लै लो दिन रात, पढ़न पढ़ाउण का नहीं वो मोबाइल से सार दिन यही काम है,
दूजा कम नहीं, जो पुठे कम सीखते चलो साइंस वाले तो चंगा ही बनाया ही, पर पुठा ज़्यादा होया सवेरे जो तो खोपरी पुठी हो ना, पुठी गल चंगी भी ज़्यादा लगती है। इस करके महाराज कहन लगे दे नुकल एक नाम का कहंदे हुण कलयुग आ गया ते हुण आपां छुट्टी करिए इन्हां नूं मौज लैण दी है। कलयुग कहंदा महाराज तुहाडा हुण की कम आ, हुण मेरा राज आ गया, मैनूं हुण चार दिन मौज मेला माण लैण दिओ, मौज कर लैण दिओ मैनूं, तुसीं धर्म पुत्र आ, तुसीं जाओ जाके बैठो स्वर्ग च, हैं स्वर्ग च बैठो जाके। वो फिर जनमेजे नूं रात दे के चल गया सी। एक कलयुग का वर्तारा ऐसा है, जो जो सत करै सो छीजै, तप कर तप न होई, जे को नावल है बदनामी, कल के लखन ए इलतका नाम चौधरी कली काल बढ़ाने। जड़ा है चौधरी है ना, इलतां शरारतां ज़्यादा, उन्होंने कहने आओ चौधरी साहब जी, भीम बेचे उन्होंने कहने के जाहेदार, शराब बेचे सुनाओ ज्ञानी जी अज मिल जाएगी अंतरे रंगी। देखो किड्डे पवित्र अखर सी ते इन्हां दा दुरुपयोग किवें वरतदे, कने दुरुपयोग कर रहा कि नहीं, ये हाल बनया है कलयुग दा। और स्विंग ते पूछ नहीं, लक्षणे होंदे आ लक्षण, चोर साध दी शकल तो उही है, लक्षणा तो पता लगता चोर केड़ा ते साध केड़ा, ये है। पर मारे कहंदे भाई वो धानिया जिनी हिरदे च नाम बसाया, हों वारी जियो बारी, मन करके बाणी करके शरीर करके असी उन्हां तों बलिहार बलिहार कुरबान जांदे हाँ, जिन्हें परमेश्वर दे नाम नूं मन विच वसाया है। अमृत नाम नूं वसा बणिया, अमृत रूपी नाम नूं मन च वसाउण वाले जिहड़े उन्हां तों कुरबान जांदे। महाराज कहिंदे धन तीजे पातशाह अमृत नाम महारस मीठा, ये जिहड़ा अमृत नाम महा इहदा बड़ा बड़ा रस ते मिठा स्वाद बड़ा महान रस, गुरमत्ति अमृत पिया बणिया। राव विश्राम दे कहंदे जिनी गुरु की मत धार ली, गुरु का उपदेश लै लिया ना, वो इस नाम नूं पींदे आ ते पलाउंदे आ, नहीं तां ब्याहां शादियां च जहर पींदे जहर पलाई जांदे। हुण बिहार च किन्ने मर गए पी के, आ रहा कि नहीं अखबारां च, मर रहे है कई नशे ला लै, ना मरिया च ना जींदियां च, ना मरिया ना जींदियां, इहो जिहा रोग लग गया, इहो जिहियां बीमारियां, कैंसर हो गया, फेफड़े गल गया, हाँ जी लीवर गल गया, फिर भी डफी जांदे, फिर नहीं अड़दे, दिमाग खराब हो गया, नशे ना घर की पई है दुनिया, की कुछ होन डिया, लुट कसुट चोर बाजारी किन्नी वधी हुई। इस करके कहिंदे ओ गुरमुख धानिया जिहड़े ये नाम रूपी महारस मिठा जड़ा इनू पींदे पलाउंदे, गुरमती अमृत पिया बने, गुरु का उपदेश लैण वाले पींदे आ पलाउंदे आ। जिथे गुरु का उपदेश ही नहीं वो किवें पीएगा पलाएगा, वो तो जो आप गलत चीज़ा खाते पीते है वो ही है। अगे तो डोडे पी के मल मुल के पीते ही नहीं, रात में भेज देने फिर घंटा लाना पैंता ही मलने, फिर खदर दे पौने पुणना फिर पीते, हूँ बस ग्राइंड करके रखे है, मलन की तो ताकत नहीं, कहते चमचा लै लिया, चमचा चलता हूँ, चमचा तेरे घर वाला भी चमचा लैंदा ना, चमचा चल रहा, कड़छी की लोड़ नहीं, चमचे ना कम सरी जाता, ये हाल है। ये दूजा जिहड़ा धूआं चमचे की लोड़ नहीं, एक तो रब दे पागल किते ना वो, फिर कहंदे सानू हुण दिमाग की लोड़ नहीं, ये की करना रख के, ये नहीं छोड़। एक बार असीं हरख वाल महाराज की कुटी दे मोहरे लेटियो सी, ते आ गया वो पैरों मत्था टेके, मैं कहो कोई अकल करिया कर,
ਉਹ ਮੋਹਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਕਲ ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ? ਹੈਂ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਰਮ ਭੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ। ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਬਜਰ ਕਵਾਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਬਜਰ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰੋ ਇਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵੱਢ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ ਛੈਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾੜ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਫੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਬਜਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਨਮੈ ਮਨੋਮੈ ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਮੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਜਰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਮੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਆ ਮਨੋਮੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਮੈ। ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦਮੈ, ਜੋ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੰਦਾ ਲੱਗਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪੇ ਪਤਾ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੰਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੜਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਕੁੱਤ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂਗੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ? ਕੋਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਲਾ ਲੈ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨ ਦਿਓ, ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਲਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਬਜਰ ਕਪਾੜ, ਉਹ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਮ ਇਹ ਬਜਰ ਹੀਰੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਕੇ ਕਪਾਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਊਗਾ।
ਇਹਦਾ ਸਰਵਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੰਨਣ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਅਮਲ ਵੀ, ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਪਰਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜਪ ਤਪ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੋਹੇ ਪਾਏ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲੋਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਏ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹਿਰਦਾ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ, ਜੇ ਗੰਦ ਨਾ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸ ਰੂਪਾ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ, ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ, ਰਸ ਘੋੜਾ ਰਸ, ਏ ਜਮ ਰਸ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਮੁਰਗਾ ਖਾਧਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾ, ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਚਟੰਗਾ ਛਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਦਊ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਫੁਲਕ ਚ ਲਗਾ। ਜਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਟੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਗੜਬਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਏ ਇੱਕ ਖਰਸਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਚਟੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਟੰਗਾ ਕਹੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਪੰਜ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਆ, ਚਾਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਪ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਰ ਖੋਲੀਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਦਿਖਾਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੁਬਈ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਤਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਲਿਆਈ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਰਸ ਆ, ਰੁਪਾ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਰਸ ਆ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ ਚਾਂਦੀ ਸਹੀ, ਕਿਉਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਤੋਂ, ਚਾਂਦੀ ਫਿਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਛੱਲੇ ਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੰਜੇਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜਨਕਪੁਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਣਕਾਰ ਸੁਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ,
आवासी आँदी होंगी मोहरे कपड़ा ले लीजा होंगे भूतां मूँह मूँह नहीं अड्डी का होंगे तंग च बहना सीखो अपनी हवाड़ में दुए बीमार ना करो संघ च बहना सहना रहना कहना सीखना पैंदा वो साध संगत जी जिले होया ना ते आ गए विश्वामित्र जी कहते रामचंद्र जी किमें बैठे हैं गुरु को बंदा गल लुको नहीं ना सकता लुकोगा तो उन्हें फिर भी कट के दा देना पटारा खोल देना उत्थे लुकदी नहीं ना गल उत्थे नहीं छुपदी हाँ जी कहते ना वैद चंगा हो ना रोगी रोग नू लख छुपा रखे वैद तुरत पछाणदा नाड़ियों तो वो नाड़ी पढ़ के दसदा जिन्ना मर्जी लुको लै क्या बीमारी है कने ते फिर कहिंदे गुरु कोल इक शीशा हुंदा कहिंदे शीशा रख के अक्स उतार ली जिवें कैमरे नाल फोटो खिंच ली दी ना पे अंदरली फोटो लै लैंदे पी दे अंदर आ कोई लई बैठा है कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करी बैठा आके के बेसमें तो कहते सुनाओ रामचंद्र किमें बैठे हैं हूँ झूठ किमें बोलन गुरु अगे कहते महाराज बीबिया बहुत गई सियाँ एक बीबी के पैर च पंजेबा पाइया सी वो घुंगरू जहा खड़कते तो उधर न मन जा रहा वो कहते अच्छा कहते पंजेबा नहीं वो काम देवता नगारा बज रहा सी तेरा हूँ फलाने दिन ये सुजोग है ये कहते पंजेबा नहीं है कामदेव का नगारा बज रहा तो महाराज ने ता ही ये चीज़ा बंद कीतियां सारिया ना कन नहीं बिन्न ये चीज़ा की वरतों नहीं करनी पातशाह ने इहदा मतलब नहीं महाराज ने सोनी ने मुठां वालियां तलवारा रखियां शस्त्र वस्त्र रखे हाँ जी तो बाकी ये नहीं फैशन परस्ती वाली चीज़ा जिहड़ियां मन च दोष ऐब पैदा कर दियां ये महाराज ने पाबंदी लाई है पर असी गुरु की आग्ञा तो उल्ट रज के वह कम करते हैं जितों महाराज रोकेगा ना है कि असी बहुत अकल दे सियाने हाँ सारे वह कम करते हैं जो महाराज रोकया सी इस वेले साडे सिख उधर दौड़े पे भज दौड़ लगी है पूरी हाँ जी सो इस वास्ते महाराज दसदे हैं बिन शब्द है नाम ना पाए कोई गुरु के उपदेश तो बिना नाम नहीं कोई पा सकता गुर कृपा ते मन वसाव वो कृपा कर पहला तरह सोने सी रुपए सी कामन फिर इस तरह चेतन माया विच परमल सगंधियां और इस तरह रस मीठा रस मास मिठे पदार्थां ते मास खाण विच मास खाण विच इधर रस ये तेरा शरीर इन्ने कहिंदे रस शरीर च आ ये शरीर तो इन्हां चीज़ां नाल भरिया तो नाम का निवास कित्थे होगा नाम लई तो थां है नहीं हैगा थां कुले तो थां छड्डिया ही नहीं आ पटारा तो होर चीज़ां नाल भरी फिरदे आ तो नाम हुण कित्थे टिक जाऊगा टिक जाऊ उत्थे नाम उत्थे नहीं नाम टिकना पहलां तो सारा कूड़ा कबड़ा अंदरों कढ़ना पैना फिर दा साफ करना पैना रविदास सरबग सी ना शिवाजी बराटा दे गुरु श्री चंद चले सी भिख्या लैन गए महाराज कृपा करो नाम बख्शो उपदेश दियो वो आ गया जदों जाना यही बचन करना वो कमंडल गोहे ने भर के लग गया कहिंदे च भिख्या पा दियो लै महाराज आप बीबी कहिंदी लिया कमंडल पहले साफ करा फिर पावे महाराज तुसीं आ की कीता कहिंदे नहीं इहदे च पा दे कहिंदे महाराज जी मैं गंद किवें पा दें गंद च पा दें कहिंदे तू रोज कहने उपदेश दियो तेरे घर वाला भी कहिंदा तुहाडा हिरदा गंद ना भरिया तो कित्थे पा दें देखो रविदास सरबग ने सिख्या दी महापुरशां ने छेवें मट्टे दे गुरु सी बाबे श्री चंद दे चेले सी इस वास्ते इन्हां चीज़ां नाल हिरदा भरिया है तो नाम नाम दियां गल्लां करदे आ अच्छे आवे आ भी किमें दर्शन मैं दर्शन कहू आया जड़ी गल आया वह गल कर झूठ बोल दिया झूठ बोलना आगे सच नहीं दसना सो इस वास्ते महाराज कहते बिन शब्द है नाम न पावे कोई
पाए कोई शब्द मैंने उपदेश गुरु दे उपदेश की कमाई तो बिना हिरदा शुद्ध नहीं होंदा ते नाम फिर पा नहीं सकता कोई भी गुर कृपा दे मन जो गुरु कृपा कर दें फिर लालू वर्ग ते आपे ही जाते कृपा कर उन्हें नहीं निंदा दिता भी आ जा मारे जानी जानी भी हिरदा शुद्ध है उथे आप ही चल गया मरदाने वाले नूं आपे ही फड़िया पता भी साढ़े पुराने हैगे राय बुलार नूं लै लो बेबे नानकी है दौलतां दा आई है कृपा की किन्नियां दे संसार च विचरे है गुर कृपा ते ये गुरु गुरमत विच इउं नहीं जिवें कोई दुनियावी उस्ताद आ इह तां गुरु उह आ जिहदे अंदर ज्ञान जोत जगदी है गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया उन्हीं का उत्तर देंदे आ कहिंदे सतगुरां ने जदों ज्ञान रूपी अंजन जिहड़ा सुरमा सी ना ये मन बुद्धि रूपी नेत्रां च पाता दूआ सुरमा तो बहुत पाउंदे ना कहिंदे सुरमा पाउणा आउंदा मटकाउणा नहीं आउंदा ये सुरमा फैशन लई पाउंदे ना एक तो सुरमा हैगा अखां दे बीमारियां दूर करन लई एक हुंदा फैशन लई सुरमे सुरमे का फर्क है गुर ज्ञान अंजन गुरु का ज्ञान रूपी अंजन सुरम सच निश्चय करके ना ये मन बुद्धि रूपी नेत्रां च पा दिता क्योंकि मन भी अन्ना होया फिरदा बुद्धि भी अन्नी होई फिरदी है मन सजाखा नहीं ना बुद्धि भी सजाखी नहीं जे तो सजाखे होन ये तो मन करके माड़ा कम को करे ना तो जिन्ने पुठे काम मन कर रहा ना ये करवा रहा ये मोतिया बिंद उतरिया पूरा गुरु मिले ना फिर वह लाँदा कहिंदे मेरी अखा बनाती अखा तो रब ने बनाईया कोई वैद्य डाक्टर नहीं बना सकता अखा दे पर्दा आया सी डाक्टर ने वो लाया अखा तो बनाने वाला महाराज आ कोई बंदा थोड़ी बना सकता ये मन बुद्धि रूपी जिहड़े नेत्र इन्हां ते भी पर्दा आया मोतिया बिंद उतरिया एक तो काला दुए तो चिट्टा मोती आ वो फिर महाराज लाउंदे आ पूरा गुरु गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री सच मैंने निश्चय करके गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रां विच पाया इहदा फल की होया अंतर चानण अज्ञान अंधेर गुरु ये जिहड़ा सुरमा सी ना इहनूं अंदर चानण करता जे अंदर नेरा होवे ना चीज़ कोल पई दिखदी नहीं हुंदी ते चानण होए कहने लै कोले पई सी इह तो कोले भी पई सी कि नहीं जल्द सुता हो कई बार नींद गाढ़ी होंगी ना तो एक हाथ च कड़ा कहू मेरा कड़ा कोई ला के ला गया वो पिट का मेरा कड़ा ला लिया केंद्र केड़े गुट सी सज्जे केंद्र वह तो है नहीं है हाँ तो खाली है वो केंद्र खब्बा वो मूँह तो चपेट मारता जल्द लेंदी खुमारी केंद्र मैं तो भुलेखे जी कड़ा तो मेरे को यह अज्ञान है येरा अज्ञान का जल्द ठोकर गुरु मार दे ना उपदेश की फिर पता लगता कितने सुता गफला नींद में सुता पे अंतर चानण फिर अंदर चानण हो गया हिरदे च अज्ञान अंधेर हो गया आ बिजलियां तो बाहर का प्रकाश कर दया ना जिनी बाट द लाओ उन्ना हनेरा फिर नहीं तंग करने हटता अंदर हनेरा पुठे काम करी जाते अज्ञानता का हनेरा कहते जिले गुरु ने ये ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रां च पाता तो अज्ञान का हनेरा गवाता अंदर चानना हो गया तो हूँ साढ़े बाहर देशे चानना दिल अंधेरी रात बाहर का चानन बहुत है बना लिया अंदर तैन मसिया की काली बोली रात है कि नहीं अंदर काली बोली रात मसिया की बनी हुआ ये तो चौदह मसिया महीने पिछों आदि ना ये मसिया जाती ही नहीं जड़ी अंदर मसिया बैठी है अंदर बैठी मसिया एन पक्का मंजा डा के बैठी है एन काला किता है मन कहीं काली बोली रात अंदर बनी हुई दीदा ही नहीं अंदरों कुछ भी ज्योति ज्योत मिली मन मनिया हर दर शोभा पावन बार कहते जदों मन मन गया ना भतीज गया
आत्मा रूपी जोत परमात्मा जोत ने मिल गई हर दर परमात्मा दे दर दरगाह दे विच ये फिर सोभा पाउण वाला बन गया नहीं तो धक्के ही है इतने भी धक्के अगले भी लोग धक्के कौन बढ़ लगा उ पर जो कहते जोत ना जोत रल गई फिर तो धर्मराज आओ महाराज तुम मेरी संजीवनी पूरी कलीची मंदिर पवित्र करता धर्मराज भी डंडौत करता नमस्कारा करता देवते फरिश्ते भी नमस्कारा करते हूँ कहते साढ़े मुंडे कुड़ियाँ कहना नहीं मनते कहना मन वाली पढ़ाई ना तुसी की ना इन्हों कराई ना स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई वो तो पढ़ाई है नहीं कहना मन वाली तो मनना कहने तो गुरु घर च पढ़ाई हैगी है इस ढंग की महापुरखों के को सतवचन की पढ़ाई है शरीर हों पालन को बाहर जाए नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए ये शरीर तो बाहर पालन जाते कोई पहाड़ा दिया कंधर ही लाइदा कोई धर्म अस्थाना लाइदा फिरदा कोई कितों लाइदा फिरदा नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए नाम की बरकत न पाँदा नहीं जिमें बगारी बहुत दुख पाँगा जोड़ा सारा दिन मजूर पांडी भार ढोंदा दुख पाँदा ना पर ढिड करवाउंदा भुख करवाउंदी है परिवार का मोह करवाउंदा बेगारिया जिमें बगार करता बहुत दुख पाँदा ना इस तरह शरीर तो पालन जिहड़े बाहर दौड़े फिरदे नाम नहीं मिलता वो बगारी मूँह बहुत दुख पाँदा बेगार करे बेगारी दी नहीं करके काम ना आया करदे काम नहीं आता हुण समुद्रों पार जाके बगारी बने हो ना इतने माँ प्यो के काम नहीं आते इतने नहीं कहना मानते पे काम करना उत्थे बगारी बने हो बगारी बन के उत्थे तो सब कुछ करते होटलों से बाद शराबन प्लेटा भी धोते पलछा भी साफ करते एयर बुटा भी झाड़ू फेरते जे इत कहो इतने नहीं लगा तोड़न तैयार ये साड़ी हाल ही बन हालत बनी हुई बेगारी बन गया संसार नाम नू नहीं प्राप्त करते बेगार करके दुख पाते हैं मनमुख अंधे सूझे नहीं ये मनमुख जड़े है अंधे अज्ञानी है इन्हें दिखाई नहीं दिता कोई कबरां की पूजा कर रहा कोई मड़िया की पूजा कर रहा कोई कितने तुरै फिरदा बगारी बने फिरदे गुरु दरबार की सेवा नहीं करते इस करके दुख पाते मनमुख है मन के मगर लग लग के तुरदे अंधे अज्ञानी है सूझे नहीं इन्हों दिखाई नहीं दिता एक बारी अन्या ने मीटिंग की सारिया ने अपन सभा बनाई इसत्रियों ने भी सभा बनाई है बाजीगर ने बनाई है सिंह सभा संत सभा सिद्धां दी सभा खुसरिया ने भी सभा बनाई है कि अपने सूरमिया की नहीं कोई सभा भी आपां भी जथेबंदी बनानी चाहिए है जथेबंदी के बिना साड़ी कोई गल नहीं सुनता जथेबंदी बनानी चाहिए है कहते गल भी बहुत वधिया अपनी भी जथेबंदी चाहिए सूरमे सिंघां दी जथेबंदी बना ली उन्हें फिर अपना एक मुखिया चुन लिया प्रधान बनाना पैंदा ये साडा बुलारा स्पीकर आ ये साडे सैकटरी साहब है जनरल सैकटरी साहब आ ये खजानची साहब अकाउंटेंट साहब आ ये सभा बनाना पैंदा प्रेजिडेंट साहब आ ते जे ज़्यादा रौला पवे फिर मीत प्रधान ये लीडर दे भी हुंदा ना ये वाइस प्रेजिडेंट है ये वाइस हाँ जी मुख्यमंत्री सी एम है फिर टिक टकार होगा नहीं लत्त खिंचन गए हाँ कम है ना ये वाइस प्रधान है हूँ इधर ही पाया संसार सारा हाँ जी तो साधन च भी है ये डिप्टी है ये मुख है इधर भी ये गल बन गई ये नहीं फिर राजनीतिकां च इधर भी चली जाता है हाँ जी ये डिप्टी स्पीकर है सो इस वास्ते तो नहीं कभी सभा बनाई है कहते ठीक है माता पास कल सभा बन गई चोन हो गई कहते फिर किमें करिए कहते एवें धक्के खाते फिरते ठेडे खाते फिरते हैं फिर देख लो चोर मौज लाते सन लाते आनंद लेंगे फिर आप भी कहती दुकान दुकून भनी है वो भी फिर मौका ताड़ के ना जागते तो लाला जागता सी वो बही खाते का हिसाब कर रहा जल्द अंदर जा बड़े
ਕੋਈ ਕਿ ਸਰਜੀ ਵੱਟ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਵੜੇ ਕਿ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੋਟਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਕੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਪੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਏ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਸਿਰ ਪੜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇਥੀ ਹੈ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੈ, ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਹਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝਿਆ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਰ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਤ ਪਾਵਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਘਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਘਿਰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਜਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 30-30 ਸਾਲ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਭੁੱਬਲੇ ਫੱਕ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਬਲ ਫੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪੜ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਬਲ ਫੱਕਦੇ ਹਾਂ? ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਬਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹਾਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਜਾਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਧਰ ਭੀੜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੀ ਬਹੀਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਬਹੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਘਿਰ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵਲੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਉਮਰ ਛੋਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜੋਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਦੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, 14 ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਜੁਗੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ, ਖਲਬੜੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ ਤੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ ਇਹ ਹਰਾ ਹਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਬਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ, ਇਹ ਹਰ ਭਰਿਆਏ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁਰਕ ਭਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝ ਹੈ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਣ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ,
बस ये भटकते फिरते है, कोई कित तुरै फिर कित तुरै फिर फिर घिर कहते फिर तुर के ना आए आ जाते हैं। जल्द पूछे की मिलया से उ मिलना महाराज किस हाँ जी तो फिर जो टिकाने लग जा गुरमुख बत पावन फिर गुरां द्वारा ये आत्मा रूपी परमात्मा प्राप्त करता है। जेडे नूरे आ वो हर भरिया पशु वर्ग आ तुरे फिरते गड़प्पे लाने हूँ बहुत मेलिया तो लंगर च उ जी बर्गर मिलता सी 550 साल आया ना ऐतकी माइया रोटियां पका नहीं आई इधर फिर दी रही बंदे भी उत्थे पीजा मिलता सी जी वो भी हुण क्योंकि जो शिकारी फड़ना हो फिर कमंद फाही लानी पैंती है वह भी कमंद फाही लाते हैं फिर वह जहाँ खाण खून दौ फिर आने फिर पीजा खिला के बर्गर फिर जेब झाट लेंगे एक स्पीकर आ बैठा हूँ टोकरे वाला गुरु के लंगर चल रहे हैं दान दे के जाए कमंद फाइया लाइया होंदिया ना सोए सुभाष के महाराज कहते मनमुख अंधे सूझे नहीं कहते अज्ञानी इन्हों सोझी नहीं फिर घरे आए फिर तुर के आ जाते फिर गुरमुख बत पाने उन्होंने पले की पैना जदों गुरमुख बनता ना गुरु के मुख तो उपदेश सुन के उसकी कमाई करता फिर पले पैंदा कुछ फिर पले पैंदा है गुरप्रसादी सचा हर पाए गुरां की कृपा ना सचे निरंकार परमेश्वर नूं प्राप्त करीदा है मंतन वेखा हमें मिल जाए। कहिंदे फिर मन ते तन इहदे अंदर परमात्मा नूं देखे जो मेरे अंदर बैठा है जदों उहनूं देखदा ना ते मन फिर शांत हो जाता वै सो थान सदा हर गुण गावे फिर महाराज कहिंदे सो थान किहड़ा श्रेष्ठ थान सतसंगत रूपी थान च बह के वो निरंकार के गुण गाँगा हूँ सिर में जाके गुण थोड़े गाऊंगे डांस घर क्लबा पबा च थिएटर के हरी के गुण गाऊंगे उत्त कुतपुणा ही मिलना होर नहीं कुछ मिलना जिमें कुत्ते कट्ठे हो गए भों भों करते ना आहे कुछ है की मिलेगा ज्ञान उतों पर संसार के लोग में दौड़ा जा रहा पहला टिकट खरीदे होंगे अपन मोरली सीट पर मिले पिछे ना बहना पाए जाते कि नहीं उधर नूं जाते तू भी हूँ टिकाने आ गया ना पहले इन्हें फस गया ही सो थान कहिंदे सतसंगत च बह के वो फिर हरी दे गुण गाँव जी सतसंगत आ सतसंगत कह ही जानी जिते एको नाम बखाने उ नाम की ज्ञान चर्चा होंगी गुण गाँवे आ इस करके कहते फिर वैसो थान सादा हर गुण गावै सचे शब्द सुमा बनया कहते फिर सच्चा शब्द रूपी इतने शब्द ब्रह्म का बच गया परमात्मा का कहते फिर भजन करते करते उस परमात्मा समा जाते उस अभेद हो जाते फिर कहते कि ऐसी जे शंका हो ब्रह्म च किमें समा जाएगा वह समाधान कर दे उदा उत्तर देंदे शंका निवृत्त करते नौ दर ठाके धावत रहे कहते नौ द्वारे ना आ मोरिया अखा नक इस तरह नौ गोलक भी कहते ये जेडे नौ दरवाजे इंद्रिया के बहर जाने नौ द्वार इन वालों मन में रोक लवे नौ गोलक वालों तो जोड़ा अंतशकरण है अंदरला कारखाना जिथे सारी घाट घट राय बैठा अंदर सेपी करता ना मिस्त्री में अंदर बैठा बहुत घाट घटता बड़े बंबू काट बड़िया कढ़ौजियां बना इतने भांडे टकाने इतने आ कुछ करना थोड़ी घाट करता अंदर बैठा रात में सुपने च भी लगा रहा है जागदा भी लगा रहा हवाई किले बड़े उसारदा है अजकल तो बच्चे बच्चे बहुत उसारे टकाए हैं इस वास्ते कहते नौ दर ठाके इन्हों नौ दरवाजे वालों
धावत रहा है जिहड़ा मन दौड़ा फिरदा ना इहनू रोक के रखे। इहनू भी गुरु दे उपदेश दा कंडियाला देना पैंदा, घोड़ा मताना हो जाना सवारी नू सिट जांदा ते जड़ी वाले टट्टू जोड़ दईए टांगे ना वो कतान च टांगा सिटूगा जिहड़े बैठे उन्होंने भी मारूगा। अड़ियल मन का भी यही सुभाव है, यह शरीर रूपी टांगा जड़ा इनू भी बर्बाद करता आप भी जल्द फिर सिखा अंदर बहुत फिर मन भी रोंदा ना पुठे काम जल्द करता। दस मैं निजगर बासा पाए जदों नौ गोलकां वलों ये जड़ा मन आ दौड़न तो रोक के रखे। दसवां जड़ा निजगर जिथे परमात्मा की ज्योति निवास करती है, हाँ जी नौ लखणा करके जड़ा सिद्ध होंदा और उहदा आसरा रूप जड़ा, हाँ जी इस करके कहिंदे फिर जड़ा वो परमात्मा है निज घर नौ लखणा करके जड़ा सिद्ध होंदा उहदा आसरा ये नौ गोलकां ना शरीर दियां इहनू आसरा देण वाला कौन है परमात्मा, हाँ जी वो जड़ा परमात्मा ना ते उहदे जड़े दस लक्षण उत्ते दसते है अपना सूप प्राप की है प्रतख दसवें द्वार च बासा कहिंदी इस स्थिति जिहड़ी है ना उत्थे फे पाउंदा नौ गोलकां च भटकदा फिरदा अखां दौड़दियां बाहर दृश देखण वास्ते दे फिल्म सोहणी है चलीए कि नहीं फिर मन करदा ना फिल्म देखी अज फिर कन्ना ना भी लै भी उत्थे अज बीबा जी आए आ वो फिर गीत बहुत सुन गाँदी है दौड़ दे कन कि नहीं लै भी अज उत्थे भंडारा हैगा उत्थे बर्गर मिलेगा पिज्जा मिलेगा फिर उसने दौड़ती है फिर पानी भरदा मूँह च कि अज भंडारा हाँ जी भंडारे में दौड़ दे पैर भी दौड़ दे हाथ भी दौड़ दे हर इंद्रिय दौड़ते हैं मन बुद्धि दौड़ती है, हाँ जी ये नौ गोलकां वाले शरीर में आसरा देने वाला तो उही है तो आप दसवें द्वार च बैठा, हाँ जी इस करके कहिंदे फिर वह जिहड़ा है उहनू पाउंदा है जिले दसवें द्वार च बासा निवास पालन का स्थिति पालन का उत्थे दसवें सुरत उदों जाती जल्द सारे फुरने मिट जाते ये बहुते चक्कर पैन की लड़ नहीं अपने आप सुरती उत्थे चल जाती टक्कर मारन की लड़ जल्द हिरदा शुद्ध हो जाता नौ गोलकां लो बकारा लो मन रुक जाता अपने आप जिमें सूर्य की लाइट है अग उत्ते जाती प्रकाश उपर प्रकाश हनेरा नीचे खिंचदा प्रकाश उपर जाता उत्थे अनहद शब्द बजह दिन राती। एक तो ढोलकियां छैने बजते ना जो कोई खड़काऊगा ये आहत ना दे चोट मारो तां बजदे वो जिहड़ा अनहद ना दिया वो तो अपने आप बजदा उत्थे नहीं बजाउणा पैंदा बांसरी च फूक नहीं मारनी पैंदी ते मजराब की लोड़ नहीं सतार बजाउण लई ढोलकियां ते तफे मारन की लोड़ नहीं जोड़ियों ते वो तो अनहद ना दसा ये बाकी जिन्हें ना दिया ये आहत ना दिया ये चोट ना पैदा होंदे कोई फूक ना कोई किवें उत्थे अनहद शब्द बजहै दिन राती। उत्थे दसवें द्वार च कहिंदे ज्ञान वनन एक रस शब्द दिन रात बजे ओम सोंग दे बजे बजदे ओम सोंग शब्द दी तुनकार होंदी है दिन रात होंदी है आचरण हुंदा गुरमत्ती शब्द सुना बने परंतु गुरु की मत जिन ग्रहण करके अधिकारी बन गया ना उन्होंने महाराज ये उपदेश सुनाते हैं अन अधिकारी अन अधिकारी दिता उपदेश व्यर्थ चल जाता जिमें कलर भूमि सिटिया बीज निष्फल चल जाता कलर भूमि सिट दो ना बीज बीज का बीज भी नहीं लजना अन अधिकारी दिता उपदेश चले जाता जिमें अग बुझी हो वेदा के मंत्र पढ़ के उहदे विच उहूती सिटी व्यर्थ चले जाती है
इस तरह अन्न अधिकारी नूं दिता उपदेश व्यर्थ चल जाता। राख दे विच उहती सड़ दिती, हुण धोखना थोड़ी है, हुण धोखना नहीं, हुण तेरी ड्यूटी ते इत्थे लाई, कल तू गैर हाजरी लवा ली। बीबिया ने आप कहा वह लगना नहीं, तुहानूं लगन नहीं दिनी आ कि नहीं। सो इस वास्ते महाराज कहिंदे उथै अनहद शब्द वजह दिन राती, दिन रात हाँ जी सुधो अहम बुधो अहम माया मोह परवरजितो सी ओहं सोहं, हाँ जी निरंकार दे नाम दे शब्द दिन रात शब्द ही धुनकार होंदी है। बिन बजाए किंगरी बजाए, किंगरी तैनूं उंगल मारूगा बजूगी ना, वो जिहड़ी किंगरी है अपने आप बजदी है। तो कई ने अपने नाए बाबा किंग वाला किंग वाला ना रखा लिया कि नहीं, वो तो तार टुट गई बजनों हट गई, ढिली हुई तो टिप टिप करूगी, पर यह जिहड़ी किंगरी है ना ये तो एकरा सुजदी है। गुरमती शब्द सुना बने, कहिंदे गुरु की मत का जिहड़ा अधिकारी बनता ना अपनी मत दे मगर लगे आ संसार। जे कही अमृत छक के, अमृत छक के भी कहना नहीं मनते, बिरले है, नहीं तो हुमे मनमत बड़ी प्रधान है, बिरले है जेडे गुरु की मत नूं ग्रहण करते। गुरमती शब्द सुना बने, जिन्हें गुरु की मत धार ली अधिकारी बन गया, उन्हों महाराज फिर ये उपदेश सुनाते, नहीं तो फिर बोले अगे गावे भैरों ते गौड़ी। हूँ बोला ना उत्थे कोई रागी भैरों राग गावे गौड़ी गावे, उन्हों केड़ा सुनदा वो कदे अगे बीन वजाउण दा की फायदा। अन्न अधिकारी नूं दित्ता उपदेश जिहड़ा कोई उं व्यर्थ चल जांदा, जिवें धूने की अग बुझी होवे, वेदां दे मंत्र पढ़ के सिटी होई उहती व्यर्थ चल जांदी है। अन्न अधिकारी नूं दित्ता होया उपदेश इस प्रकार व्यर्थ चले जाता है। बिन शब्द अंतर अनेरा, ना बस लह ना चूकै फेरा। गुरु के उपदेश तो बिना, गुरु के उपदेश एक चानण है ना, तो उस तो बिना हिरदे च अग्ञानता का अनेरा आदि निवृत्ति नहीं होंगी। जब तक निवृत्ति यह दूर नहीं होंगे उदों तक आत्मा रूपी वस्तु नूं इह प्राप्त नहीं करता। तो जिन्ना चिर आत्मा रूपी वस्तु प्राप्त नहीं करता 84 लाख जूनां का फेरा नहीं मुकदा, जिन्नियां मर्जी टकरा मारी चले। ये बस कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म सर्प बिरख है फिर हो तुरै फिरना 84 लाख जूनां के गेड़े च। हुण तां इह कहिंदी कनेडे चल जाएंगे फिर 84 अपनी कटी जाने, अमरीका जाके कटी जाऊगी, हूँ तो आ ही है ज़्यादा, तो नाम बाणी वाला नहीं रह गया। इस वास्ते हाँ जी तो उन्होंने पुन किए है, अगे तो इतने राज करके ले जाते सारा कुछ खिच खचा के, हूँ आप गुफे दे जाने, बैठे बैठा मिली जाता कोई 22 लाख दे जाता। अमेरिका तो हूँ करोड़ तीन पहुँच गया, करोड़ तक तो जिन्होंने बैठे नूं करोड़ मिलता मौज है, उन्होंने भी अमीर करी जाने। और जिनी देश की माया जा रही कि नहीं जा रही है, जिहड़ी पिता पुरख जमीन वह भी बेच बेच दौड़े जा रहे हैं। आप तो कोई मरला खरीदया नहीं, जिहड़े बुढ़े दे गए सी वह भी रखण नूं हुण तैयार नहीं, भी कदे कल ओहो जी गल बन गई कदे पौंखा टका तो लवेंगे। संसार का देख लो किस तरह का चक्कर बनया हुआ। बिन शब्द अंतर अनेरा, गुरु उपदेश बिना अंतर आत्मा हनेरा है। ना बस लहे ना चूके फेरा, ना कहते वस्तु लेंदा ना 84 का फेरा चुकता। तो महाराज बिहार अवतार होया, कहिंदे मदर देश हम को लै आए, पंजाब नूं मदर देश गया इत्थे, कहिंदे महाराज इत्थे बड़ी सेवा करदे, बड़ी संगत प्रेमी है। महाराज कहिंदे इस तरह दा प्रेम ना लफाफे दा ही आ,
पालकी बनवाई सोने की। है कहते देखो महाराज, माता जी कहते सोने की पालकी भेजी है, महाराज कहते गाल दें अग लाती, जे लाती सारा गिल्ट निकलिया, सोना थोड़ा निकलिया। कहते प्रेम दे लो इन्हों का, कहते सानू वही ठीक है। फिर आनंदपुर आए, हूँ आप नहीं चंगा लगता आनंदपुर, वो नहीं पसंद आता आप। सो इस वास्ते बिन शब्द अंतर अनेरा, अंदर अज्ञानता का अनेरा है, ना बस लहे ते ना आत्मा रूपी वस्तु लेने, ना चूके फेरा, ना साढ़ा 84 का फेरा चुकना। असं इन्ने गर्क गए हाँ पिछे केसगढ़ के अंदर जाके सिरगट पीती है, 3-4 हज़ार का तेल फूक के आया, तो राह सिरगट पीने कोई अड्डा नहीं मिले। आ हाल होया साढ़े देशवासियों का, घर पाप करोंगे तो महाराज दे के संत दे डेरे बख्शा लोंगे, डेरे पाप करोंगे केसगढ़ बेर साहब बख्शा लोंगे, तो जिथे आके करोंगे तो है थान जिथे बख्शाओगे। हाँ जी, वो कुत्ते वाली हालत है भी मूतना जाके मसीते मूतना, वो हाल बनया साडा। पुठे काम करने हैं तो गुरु घर जाके करने, तो फिर उसकी सज़ा भी डबल है ना। सो इस वास्ते ये हाल साडा हो गया नशियां बशियां पंबर लोगों का, कोई जगह बजगह का ख्याल नहीं, कोई सत्कार प्यार वाली भावना नहीं रह गई, तो असं भी इन्ने वेसले होके सुते पाए, इन्नी गाढ़ी नहीं सौ गए, सानू अपने आप का ही नहीं पता। वो जिमें अमली होंगे सी ना, हाँ जी, तो उसने फिर निशानी वास्ते ना अपने गल जोड़े मलन वाली टेंट पाई, उसू ज़्यादा चढ़ गया, दुए अमली ने अपने गल च पा ली, वो कह मैं ये हाँ कि वह हूँ। सानू ना यह पता ना वह पता, ये हालत साड़ी इस वेले बनी हो पंजाब के लोगों की, जिते गुरु की कृपा उन्होंने तो सोझी है, नहीं तो देख लो एक रस्से बजे जा रहे सारे, ब्याह शादियों देख दी हैं घुमचड़ जो पै रहा, की करिए बाबा जी। लोग इलाज गुरु की इलाज नहीं, लोगों की इलाज हैगी गुरु की कोई इलाज नहीं, कि उन्होंने की मूँह दिखावे, गुरु की तो परवाह कोई नहीं, हूँ इन्ने लापरवाह हो गए। गुरप्रसादी सच्चा नाम पाए, हाँ जी, गुरु की प्रसाद न सच्चा नाम पाया जाता, मन तन वेखे होमे मिल जाए, मन तो तन के अंदर देखे होमे की मिल जाए, बैसो सन साधु सची संघ बह के गुण गावे, सचे सब वो सचे सब समा जाते। हूँ अगे निरना करते जा रहे हैं, बिन शब्द अंतर हनेरा, जिन्ना चर गुरु का उपदेश का अधिकारी नहीं बनता, जिन्ने मर्जी दीवे बाल ला अंदर का हनेरा नहीं जाना। हूँ अजक लिख के लाया ना विद्या जग मैं चानन, विद्या पढ़िया के अंदर भी नेरा बहुत है, विद्या भी विद्या बनी पई है, ना बस लहे ये आत्मा वस्तु लेंदा नहीं, ना चुके फेरा, 84 लाख जूना का फेरा चुकता नहीं, क्यों कारण कहिंदे अज्ञानता का जंदा लगा बड़ा सारा सब बनता। सतगुर हथ कुंजी, ये कहिंदे जिहड़ा अज्ञानता का ताला ना इनू खोलन वास्ते सतगुरु के हथ कुंजी है, ब्रह्म विद्या की चाबी है अज्ञानता का जंदा खोलन की, होर तदार खुलिया ना ही, होर टकर जिन्नी मर्जी मारी जान पे नहीं खुलती, पे नहीं जंदा खुलता, पर जे पूरा हो बिना कुंजी भी खोल देंगे। हाँ जी, वो साढ़े एक बार घर ना तो पिता जी साढ़े संत मिल गए, संतों की सेवा करनी, तो उन्होंने हवेली बाल लिया, तो श्री माता जी मकाने गए से जंदा लगा, वो कहते महाराज मैं जल पानी लिया, जंदा बड़ा हर लगा। हाँ जी, तो उन्हें फिर महाराज आरुपल चेते किया, महाराज संत परौने आए किमें करिए, मैं तो बाल के आया से उसे बैठ बिस्तरा बिछा,
वो हाथ पैर तो खुल के हाथ जा गया। सतगुर के हाथ चुकुंजी है। इतने पंगाला पिंड है तन तन बाबा जीवंत सिंह जी महाराज राजा संसी वाले ब्रह्म गयानी उन्हें ही नगर च लगाया। वो जिथे बाबा जी महाराज का जन्म होया सी वो छोटा जा घर हूँ अजक लोग इधर उधर चले गए तो बाबे तो संत सी वो जंदा लगा। मैं कभी मत्था टेकना सी इत्थे महापुरश रहे भजन करते रहे उन्हां दी धूड़ मत्थे नूं लाउणी सी। वो कुंजियां दा गुच्छा जिहा लिया है बड़ियां लाइयां वो नहीं खुलिया फिर वह थोड़ा लिया जी थोड़े ना भन्नी गए फिर नहीं टुटिया फिर छैणी लिया उन्हां नाल बड होए वो चले कहिंदे बाबा जी फिर हुण किवें करिए। मैं कि तुसीं उधर किवें किवें कर लो वो उधर नूं तोरदे। मैं फिर ध्यान किया धन धन बाबा जवान सिंह महाराज का महाराज गुरु नानक का घर आ इतों तो कभी खाली हो गया नहीं। धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज जी का बाबा आया सिंह जी तुम चेले हैं हर खुले गुर भाई हैं तो साढ़े वाल ना देखो तुम अपने वाल देखो तु तो छोद्या ना हम मैले तू मूजल करते हम निर्गुण तू दाता जल्द चेते करके हाथ पाया जाता खुल के हाथ जा गया। कला ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता उन्हां दी कला शरीर करके भी जिवें हाथी जींदा कहिंदे लख दा मरिया सवा दा ते महापुरख असली हो जिहदे मरन तों बाद भी उहदी कला चलदी है। फौजी वेसिया राजा संसी एयरपोर्ट उत्थे उन्हां दा तप स्थान सगरां ते जाके देख लिओ कोई इश्तिहार नहीं कोई एडवरटाइजमेंट नहीं लखां दुनिया नक रगड़न आउंदी है वो संत उदी तपस्या कोई एडवरमेंट नहीं कोई उत्थे महंत नहीं बैठा है, कोई गद्दी दी नशीन नहीं बैठा उन्हें तपस्या जाके देखा परताख्या रा टुटे आ फौजी बेसिया उन्हें कला अज भी कम कर रही। सतगुर हथ कुंजी ये अज्ञानता का ताला खोलन लई जेड़े पूरे सतगुरु अजकल अधूरे भी बहुत चाबियां लगे बैठे हैं जंदा ला तो देंगे खुलता नहीं ये अज्ञानता दे जंदे ला रहे लोगों बुद्धू बना के ना जिमें भेडा बाड़े च बगली दी है वो हाल है। पर यह जड़ा अज्ञानता का जंदा ये पूरा सतगुरु के हाथ सुकुंजी है ब्रह्म विद्या दे होर तदार खुला नहीं होर बथेरे टकरा मार दे उन्हां तो नहीं ये सची दरगाह का दरवाजा उन्हां तो नहीं खुलता है। गुर पूरे भाग मिला बने परंतु पूरे भागा ना पूरा गुरु मिलता अधूरे तो आप बाजा मार दे आ जाओ भाई जड़े आ होंदे ना बहुत बलांगा मार दे अजकल तो स्पीकर बने हुए है टेप भर के रखी है हाँ जी टिंडे ला लो आलू ला लो रौला पाते फिरते नहीं जेडे बड़िया पंसारी दुकाना वो कितने जाते उत्थे लोग आपे ही जाई जाते जेडे अधूरे ना वो तो बैम बैम बहुत कर रहे हैं इधर आओ जी एक बार जाके तो देखो देखो तो सही जड़ा पूरा गुरु तो नहीं कहता फुल ने कभी किया मेरे को आओ जिथे सुगंधी है हैं बंदे आपे दौड़े भौरे आपे भजे फिरते हैं हाँ जी वो फुल नासा नूं आपे आई जाता जिथे दुर्गंधी है ऐन चंगा ठाठा बन भी दौड़ चली है। अजकल ये अजकल अधूरियां की भरमार बहुत है रौनक मेला भी बहुत है भीड़ भाड़ भी बहुत है तो दुनिया आती लै भी उत्थे इन्नी दुनिया आँदी है कुछ होगा जी लज लो कुछ की है एवं बहुत दौड़ते उत्थे भीड़ बड़ी सी जी एवं कोई ना कोई तो हैगा ना इन्होंने पिछले जन भी तो फसया होगी इतने झोलू ढीजक वाला जहाँ सप्प दिखाने वाला एकदम इतने कह देना ना एक टेढ़ा जो कि खड़ जा उदो की देख दो पिछे खड़ जा ल कतार बन जूगी
कतार भाई गुरदास कहते भी एक का नक् बढ़िया गया, उन्हें कहा भी लोग टीचर करे, कहते महाराज की गल, कहते स्वर्ग के झूठे आ रहे हैं, कहते महाराज सही, कहते बिल्कुल, कहते महाराज मैनू भी आ जाओ, लोग तो इतने ही हूँ, इन्हों का स्वर्ग तो अमरीका कनेडा ही है, एक उपरला स्वर्ग है इतने मरण डे, हाँ जी, तो स्वर्ग वास्ते तो फिर तरलो मछी होने, फिर मूँह भरना ही है, कहते महाराज आ जाओ, कहते हाँ बी कुरबानी करनी पैंती है, नक् बढ़ाना पाएगा, नक् बढ़ा महाराज आया नहीं, कहते राजी हो लेंगे, जल्दे राजी हो गया कहते जिम्मे मैं कहना तू कही जा, इं नक् बढ़िया का पंथ चल गया, इं पंथ बहुत चले हुए, पर यह पंथ जिहड़ा दसवें पातशाह ने चलाया ये उहदे हुक्म च होया, ठाड़ पै मैं जोर कर बचन का हसन न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करहो सहाय, वो जिन्ने मर्जी कट कल उन्होंने कौम नहीं कोई मानता, कौम खालसा नूं मन्निया जांदा, इन्हां कौम कहिंदा कोई भेडां बकरियां दे बाड़े आ बगली चलो जिन्ने मर्जी, पातशाह कहिंदे आ पूरा भाग मला बनिया गुर पूरा, पूरा गुरु जिहड़ा भागा ना मथा सहायता करे, ये पूरा मिल जाए वो भाग भी बना दिंदा, गोबत प्रगट तू सभनी थाई, कहिंदे उह परमेश्वर किहो जिहा, कहिंदे गुप्त जगह भी वह बैठा, प्रगट जगह भी हर जगह भी बैठा, उहदी जोत हर जगह व्यापक है, पर प्रगट जोगती नहीं हुंदी है, दुध च की है प्रगट करने लई जतन तो करना पूर्ण, लकड़ जाग के फुलां च सुगंधी है, परमात्मा साढ़े सारिआं च धरती च पाणी जिथे बोर लो प्यास उही बुझाऊ, जिहड़ा धरती दे विच उह नहीं बुझाउंदा बोर लाना पऊ, कई जगह प्रतखे उहदी किरपा नाल दरिया वगदे, कई जगह बोर ना भी नहीं निकलता मेहनत करनी पैंदी, ये आपो अपनी कमाई है, कई तो पिछले ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान का प्रवाह चल रहा चश्मे मंग, कईयां नूं कोई मेहनत करके कईयां नूं बहुत पर लगा रहे, फिर हौली हौली इस जन्म अगले अगले मारे कृपा कर देंगे किते ना किते, गोपत प्रगट तू सभनी ताहीं, गोपत प्रगट सारे स्थानां च कहिंदे असीं जाणिआ हर जगह तू ही है, गुर प्रसादी मिल सोझी पाई, गुरु दी प्रसाद किरपा नाल गुरु नूं मिल के ये सोझी प्राप्त हुंदी, समझ प्राप्त कीती है, आखिरी बेनती करदे आ नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावण, महाराज सच्चे पातशाह तुहानूं श्री गुरु अमरदास साहिब प्रैक्टिकल करके दिखा लिया, यही कि महाराज अधूरे से सानू समझाने लई 72 साल के बजुर्ग गागर फल ली 84 साल तक, तो हूँ अज का बुढ़ा तो देख लो बहुत औखा, हूँ बाबा जी गोडे कम नहीं करते, सारी में तो कुर्सी मिली नहीं, हूँ बुढ़ा कहिंदा कुर्सी दे दिओ, हूँ तो कहिंदा गुरुद्वारे च मेरी कुर्सी डाओ, महाराज का शरीक बन लग पिया कने, तो जे महाराज के चौंकड़ा लाएगा गोडे आपे सही रहेंगे, तो जे महाराज मूहरे आकड़ेगा फिर तो जोड़ूगा ही, तो हूँ गुरुद्वार लंगर च भी कुर्सी चाहिए है, कहिंदे इक्वैलिटी है सारे आप बराबर कुर्सी दे बैठे हैं, इन्हूं इक्वैलिटी दसदे आ, तो अकबर बादशाह उहदे कुर्सियां है ना चौंकियां मेज है ना, दुनिया का सम्राट सी ते गोंदवाल फटा लगाया सी, पहले पंगत पातशाह संगत, कहिंदे महाराज कहिंदे बुढ़ पढ़ लो, बाबा बुढ़िया रगन धड़क महापुरख, नहीं तो लोग डालियां लैके फिर लैण लई फिरदे ना मूहरे, पंगज बह गया तप्पड़ दे लंगर छकिया, कहिंदे महाराज हुण दर्शन, कहिंदे जिहड़े फुलका तेरे बुक च रख के गए उही तो गुरु अमरदास साहिब सी, ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਛੱਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਛਿਆਂ ਰਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਘੁੱਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾ ਛਕਦੇ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਗਰੇ ਦਾਨ ਬਲੂਣਾ ਬਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਏ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਸ,
फिर 84 पिंडां दा पटा महाराज महाराज कहिंदे ने गुरु नानक दा घर सरकारी जगीरां नाल नहीं चलदा इह कालू कहणगे जगीर नाल चलदा तुहानूं जगीरदार बनाउणा चाहुंदा इह गुरु नानक दीआं सिख संगतां सेवा करदीआं महाराज आपे फिर सियाणा बहुत सी बीबियां दा कहिंदे सांझियां होणियां ते बीबी भानी दे नाल पटा लै गया आई बाबे बुढ़े की भीड़ है ना हूँ तो लोगों ने सारा जमीन बना लिया ना ये सारे 84 पिंड महाराज जिहड़ा हरगोबिंदपुर ये ब्यास दरिया ये आखिरी पिंड सी उस रेहला पिंड 84 पिंड आखिरी सो इस वास्ते भीड़ तां कहिंदे जंगल हुंदा सी ते बाबा बुढ़ा जी फिर सारा घर सेवा करवाउंदे सी खेती पत्ती माल ढांडा जो भी है सारी सपुरदगी बाबा बुढ़ा साहब दी सी हूँ तो आप इन्ने हों बीड़ साहब एक गुरद्वारा ये सारा सी हलका गुरु घर का ये फिर आज वह जहाँ जलम आ गया उन्हीं फिर पटे कैंसल करते सो इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नानक नाम सलाहे सदा तू इस करके तीजे पातशाह कहिंदे आ अपना नहीं धन गुरु नानक साहब का नाम वरत नानक नाम सलाहे कहिंदे गुरु नानक साहब का सिद्धांत यह है कि गुरमुखो सदा नाम जप के गुरमुखो परमात्मा की औसत करो नानक नाम सलाहे सदा तू सदा हमेशा यह नहीं कि मुस्लिम पांच वेले नवाजा सनातन तीन वेले संध्या हमेशा ही हर वेले उठ से बैठ सोभत नाम कौ नानक जन कह साधकान वो फकीर सी ना हाँ जी वो फकीर जड़ा सी वो कहंदा जड़े नवाज पढ़ते है वो पापी है नहीं पढ़ते पुन्नी काजी ने बड़ा गुस्सा किया देख है पांच वेले नवाजी उन्होंने पापी दस रहा काफर दस रहा फिर सनातनी दे करो या रोटी खा लानी तुरकां दे वो कहें देखो मुसलमान फकीर हो के हिंदू काफर दे खा रहा है बादशाह की शिकायत की फिर मुर्दा हों जी वो देख के कफन लग लिट गया कहते देखो जी इन चाहिए उठ के स्वागत करता इस देख के लिट गया बेइज्जती की बादशाह की शिकायत कहते कोई नहीं पूछ रहे हाँ जी फिर कहता हाँ जी सुनियारे ये खदा दी मुंदी कट दे कहते देखो जी खदा बनया आप मुंदी कट दो खुदा बने फिर बादशाह आ गया कहते भी तेरे ते शिकायत की थी है जेडे पांच नवाजा पढ़ते हो काफर है जेडे नहीं मोमन है कहते बादशाह कि जेड़ा बच्चा तेरे को रहिंदा उन्हें किन्नी वेरी चेते करना कहते हर वेले कोल है उन्हें चेते करना कहते जेड़ा दूर है कहते जदों चेत पांच चार वेरी कर लीजा कहते जेड़े पांच बारी खुदा उन्होंने चेते करते काफर नहीं मोमन तो जो हर वेले चेते करता बादशाह कहता कमाल की गल हुई फकीर ने तो गल कमाल की फकीर इवें कमाल होंगे साधु है पे कहते पे तू हिंदुआ के घर का खाना मुस्लिम के नहीं कहते मुस्लिम को राज है जुल्म करते ये गौम गरीब है धर्म की किरत करते मैं खाना तुम जुल्म करते लोगों का लहू पी रहे हैं बादशाह लोग जुल्म करते हैं ये गरीब थोड़े अधीन आ हड पसीना करते तुम वही खो के ले जाने बादशाह कहते भी गल ठीक फिर कहता तू कबर देख के लिट गया कहते मैं भी कफन पाया सी जिले देखे भी कफन जाते तो यह मुर्दा तो तू कफन च भी चादर पड़न डे कफड़ पड़न डे मैं शर्मिंदा होकर लिट गया फिर मुर्दा हो के तो फिर तू क्यों तेनू भी अपनी होंद मिटानी चाहिए कहते ले भी कमाल की गल कहते तू क्या खदा दी मुंदी कट दे सुनियारी ने हाँ जी कहते बादशाह राजगी दा कहते खुदा दा ये परजा की दी खुदा दी तू की दा खदा दा ये शरीर की दा खदा दा ये लत्तां बाहां पैर की दे खुदा दे ये उंगली की दी खुदा दी कहते मैं फिर झूठ की बोलिया जद है ही खुदा दा तो फिर खुदा दी उंगली पाई हुई उंगली मुंदी बादशाह कहता कमाल की गल है जड़ा साधु है उन्होंने
जड़े ज्ञानवान हूँ तुम इन्ने पढ़ाकू हो इन्होंने प्रश्न के उत्तर है ये बड़ा कछा मार दें डिग्री कर ली डिप्लोमा कर लिया हाले साढ़े घर की पढ़ाई का तो ऊड़ा भी नहीं सीखा ऊड़ा हाले कच्ची च दाखला भी नहीं लिया पढ़ाई तो दूर दी है यही फकीर की पढ़ाई साधुओं की नानक नाम सलाहे तू महाराज कहिंदे ओ परमेश्वर दाम की सलोता करना कर गुरमुख मन वसा बने जेडे गुरमुख आ ना उन्होंने सोझी आ गई उन्हें परमेश्वर के नाम मन च वसा लिया है ये सारी बाणी मनमुखता का त्याग करा के गुरमुख मन का उपदेश दिंदी है तुम गुरु नानक पातशाह चरणा च आए तो मन के अंदरों कोड़ कढ़ के अपने गुनाह बख्शाओ और तड़के उठो इनान पानी करो बाणी पढ़ो सत्संगत करो और गुरु नानक साहब की सिखी धारो जो संसार का वर्तारा गलत वर्त रहा ये तो बचो फिर चढ़ दी कला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।